तीनों तीन के लिए ही पुराण बनाया गया, चौथे के लिए नहीं। पहला स्त्री। अब ये थोड़े ना बताया गया कि भागवत का प्रवचन करे गद्दी में बैठ करके। दूसरा शूद्र, जिनको वेद के अधिकार नहीं है। और तीसरा द्विजबंधु नाम, केवल नाम से जो ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण नहीं है, उनके लिए पुराणों की रचना की गई है। आप वेद में मत जाओ, पुराण में जाओगे तो भी वही भगवान मिलेगा जो वेद का प्रतिपाद्य विषय है। पुराण से भी वही भगवान मिलेगा, आप पुराण के रास्ते पे जाओ। आइए, पुराण उन्हीं के लिए है जो संध्या उपासन इत्यादि से भी दूर है, लेकिन वेद पुराण का आश्रय लेंगे तो भी उनका कल्याण हो जाएगा। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रैना श्रुति गोचरा, ये तीनों को वेद के अधिकार नहीं है। तो पुराण ने कहा ये पुराण उनके लिए बनाया गया जिन्हें वेद के अधिकार जिनका नहीं। तो बोले मैं ब्राह्मण हूं, मैं प्रेत हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने धर्म और कर्म से ब्राह्मण नहीं रह गया, मैं जात से ब्राह्मण रह गया। मेरा उद्धार किस प्रकार से होगा आप बताइए। आचार्य गोकर्ण जी ने संध्या उपासन के समय, सूर्य उपस्थान करते समय भगवान सूर्य नारायण से पूछा, हे सूर्य नारायण, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रोहि नाम मुक्ते हेतुकम। हे सूर्य नारायण, आप जगत के साक्षी हैं, मुक्ति का कोई उपाय बताइए। श्री सूर्य नारायण ने कहा, अगर मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद भागवतान मुक्ति शब्दा हो गर्जति व्रतम। श्रीमद भागवत की कथा कराओ, मुक्त हो जाएगा। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। श्रीमद भागवत की कथा का शुभारंभ होता है। आचार्य गोकर्ण जी धुंधकारी के निमित्त आषाढ़ के महीने में कथा सुनाना चालू करते हैं। सात गांठ का एक बांस पड़ा था कहीं पर, धुंधकारी आके उसी बांस में बैठ गया। दग्ध चित्त होकर के सात कथा सुना, जैसे ही कथा का विश्राम हुआ बांस की एक गांठी फट गई। यहां भी वो बांस लगा हुआ। किसी ने कहा, मारा पहले तो कथा हुई थी तो बांस की भी गांठी फट गई थी, क्या आज कथा गलत हो रही है, अथवा कथा कहने वाले गलत हैं, अथवा कथा सुनने वाले गलत हैं? बंधुओं, ये बांस की गांठ फटे कि ना फटे औपचारिक है, लेकिन हृदय में मेरे साथ गांठी है। उस गांठ को फट जाना चाहिए, कथा सुनने के बाद विमान आपके सामने खड़ा हो जाएगा। पहले हृदय की तो गांठ खोलो ना। हृदय में हम कथा सुन रहे हैं, बगल में मेरा दुश्मन बैठा है, कथा में मन नहीं लग रहा है, कितना जल्दी हमारे बगल से हट जाता तो ठीक रहता। बोलो तुम क्या कथा सुन रहे हो, तुम दुश्मन का चिंतन कर रहे हो, कथा सुन रहे हो? जनते हृदयाद ग्रंथि चित जनते सर्व संशया, पहले हृदय की गठी को खोलने का प्रयास करिए। एक दिन कथा सुनिए, अहंकार छोड़ दीजिए, दूसरे दिन ममता छोड़ दीजिए, ईर्ष्या छोड़ दीजिए, मदमत्सर छोड़ दीजिए। देखो सात दिन के अंदर विमान आता है कि नहीं आता जी। लेकिन हम तो इंतजार में बैठे हैं कि महाराज वो बांस की गांठी क्यों नहीं फट रही है। जिंदगी भर इंतजार करोगे कभी नहीं फटी। आज सात दिन कथा पूरी होती है, बांस की सातों गांठियां फट गई, सप्त ग्रंथ विभेदनम, सातों गठिया फट गई। और आज जो काला कलूटा प्रेत था, भागवत जी की कृपा से सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभा पीतवास घन श्याम तुलसी दाम मंडिता। जो काला कलूटा था एकदम सुंदर, दे दीप्यमान लाट लंबी लंबी बाहुए, विकीर्ण केश और सुंदर वक्षस्थल पीताम्बर धारण करके, गले में तुलसी की माला धारण करके भागवत जी के सामने प्रकट हो जाता है। कुल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आचार्य गोकर्ण जी ने कहा, भैया तुम कौन हो पहले बताओ। धुंधकारी ने कहा, हमारा परिचय पूछते हो। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः। मैं आपका भाई धुंधकारी,
गोकर्ण जी ने कहा पहले तो तू काला का लूटा दिखाई दिया था, आज इतना सुंदर कैसे हो गया? बोले मैं नहीं हो गया, जो भागवत जी के सानिध्य में जाएंगे सब हमारे जैसे ही सुंदर हो जाएंगे। वो चाहे जैसे क्यों ना हो, जो भागवत जी के सानिध्य में जाएगा हमारे जैसा ही सुंदर हो जाएगा। जो भागवत जी का प्रभाव है, मेरा कोई प्रभाव नहीं है। आज भागवत जी की मुक्त कंठ महिमा को गाते हुए धुंधकारी भगवत धाम पधार जाता है। श्रावण के महीने में आचार्य गोकर्ण जी ने फिर से भागवत का आयोजन किया। श्रावणे मास गोकर्ण कथा मुचे ततः पुनम सप्तरात्रि वतिं भूया श्रवणैतै कृतम। अब जब सात दिन कथा हो रही है तो जैसे धुंधकारी दग्ध चित्त होकर के कथा सुन रहा था, उसी प्रकार से पूरे नगर वाले कथा सुन रहे हैं। भागवत का सातवां दिन हुआ है, जितने कथा में बैठे थे सब पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या वासी नारा महा, जैसे भगवान श्री राम साकेत जाते समय पूरे अयोध्या वासियों को लेकर के गए हैं, उसी प्रकार गोकर्ण जी महाराज सभी को विमान पे बिठा करके भगवत धाम की यात्रा कराते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। उसी प्रकार से इस पवित्र प्रांगण पवित्र स्थल में भी ये कथा सात दिनों तक प्रवाहित होगी, आज के बाद छह दिनों तक प्रवाहित होगी। आप सभी लोग जितने श्रद्धा से देखिए, पानी उतना ही बरसता है, लेकिन किसी की गिलास भरती है, किसी की कटोरी भरती है, किसी का चम्मच भरता है, तो किसी का ड्राम भी भर जाता है ना? अब बारिश में कोई अंतर नहीं है, अंतर कहाँ रह गया? मेरा पात्र अगर छोटा है तो पानी कम मिलेगा, और पात्र बड़ा है तो पानी ज्यादा मिलेगा। तो भगवान की कृपा तो पूरे गांव पर बरस रही है, अब पात्रता हमारी जितनी होगी उतना ही कथा रस मुझे प्राप्त होगा।